अच्छा जी एक माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान के ऊपर आपको जैसे कि पता है मैं अक्सर बोलता रहता हूँ हालांकि जो माइनॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान है उनका किसी भी अनलैस uh, वो एथियस्ट हो उनके साथ मेरे आइडियोलॉजिकल ऑब्वियसली डिफरेंसेस हैं चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या अहमदी होंम अहमदी तो मैं कहता हूँ मुसलमान ही है तो uh, एक और अहमदी पेशावर में उसको एक सोलह साल के लड़के ने अहमदी को कत्ल कर दिया डॉक्टर को सोलह साल के लड़के ने उसने कहा कि ये पुलिस वाले ने कहा कि ये तो सिर्फ एक बच्चा है हुए बीन ब्रेन वॉश एंड सेंट पर, इसको ब्रेन वॉश कर दिया गया और इसको कत्ल के लिए भेजा गया ये अब्दुल कादर के क्लिनिक में घुसा और इसने गोलियां मार फायर खोल दिया और उसको उसी वक्त बेचारे को डॉक्टर को मार दिया ये डॉक्टर के बारे में भी आपको बता दें कि ये डॉक्टर जो था इसकी जो ट्रीटमेंट की फीस थी बड़ी सस्ती थी और वो मेडिसिन की भी बहुत कम पैसे चार्ज करता था मेडिसिन के लिए अभी इसीलिए अब्दुल और उसका जो उसके जो वालिद थे वो बड़े पॉपुलर थे लो, लोकल लोगों में जो कि मोस्टली गरीब लोग हैं तो एफआईआर जो है इस, आ, के कत्ल के ऊपर रजिस्टर कर ली गई है और पुलिस के मुताबिक एक टारगेटेड अटैक था और ये एक सेक्टेरियन वायलेंस की एग्जांपल थी आ, जो सस्पेक्ट रेजिडेंट ऑफ है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट वो फिर उसको बाद में लोगों ने पकड़ लिया और लोगों ने उसको छित्रोल करके उसको पुलिस के हवाले किया तो ये अहमदियों के साथ ये जुन जारी है, जारी और सारी है चल रहा है आ, मेरा ख्याल कोई चार पांच महीने पहले ही एक और लड़का अहमदी था मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया से या जर्मनी से पढ़ के गया था पाकिस्तान और उसको भी उसके घर में घुस के एक यंग था वो भी कुछ सो, सोलह सत्रह साल का लड़का था जिसको प्लान किया गया किया गया तैयार किया गया और उसको उसके ऊपर चढ़ाई कर दी तो खान साहिब जो अहमदियों के खिलाफ 1970 से जो आ, जहर उगला जा रहा है ये उसका नतीजा निकल रहा है उसी तरह जिस तरह अभी एक अरतुरल की अरतुगरल के ड्रामे के जो करतूत हैं वो भी लोगों के सामने आ रहे हैं मैंने ट्विटर के ऊपर शेयर की ये बात आप लोग अगर ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हैं जरूर करें ट्विटर पे फॉलो आपको वीडियो मिलेगी बड़ी खतरनाक किस्म की वीडियो है ये मैं आपके सामने शेयर भी कर देता हूं कि ये कपिल देव ने शेयर की है ये वीडियो और इसमें ये जो बच्चे हैं ये बंदा जाता है बच्चों के पास और पूछता है कि ये क्या तुमने क्या वो तो तलवार निकाल लेता बच्चा कहता है मैं तलवार निकाल के काफरों का कत्ल करूंगा ये सारे बच्चे जो हैं तो इन्होंने कहा कि भाई आप कौन है तो इनमें से जो इनका लीडर था वो कहता है मैं तो गर तो मैंने काफरों की गर्दने उड़ानी है तो ये इस किस्म की खान ने, खान साहब साहब ने की वजह से ये चीज आगे जा रही है बढ़ रही है, है सेक्टेरियन वायलेंस और यही होना उसी तरह जिस तरह पिछले जैसे मैंने आपको बताया पिछले पचास सालों से इन्होंने अहमदियों के खिलाफ जहर उगल रहे थे उसका नतीजा यही निकलना था उसी तरह अब इसका नतीजा यही निकलना है कि अब सुनियो के अब ये जो इस आग में अब सब जलेंगे जो मैं कहता हूं यही है कि ये ब्लास्टमी का जो केस उन्होंने पहले तो मसीहों के ऊपर करते थे अहमदियों के ऊपर करते थे हिंदुओं के ऊपर लगाते थे अब शीओं के ऊपर भी लाग रहे हैं और ये इस आग में सब जलेंगे ये खुद एक दूसरे के गले काटेंगे एक और खबर इसी तरह की भी परसों की खबर है कि दो अहमदी दो अहमदी मर्दों को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने एक दो मुसलमान लड़कियों से शादियां की मुसलमान लड़कियों से क्योंकि अहमदी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नॉन मुस्लिम है तो बंदा पूछे ये जो अभी इन्होंने किया इस लड़के ने इस आदमी ने किया हिंदू लड़की को उठाया बड़े आराम से उसको मुसलमान किया शादी कर ली अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला सब कुछ ठीक हो गया कोई अदालत में जाने तो ये वाला इनको क्यों नहीं एक्सटेंशन दी ये जो मुसलमान औरतें हैं क्या इनको इजाजत है अहमदी होने की नहीं इनको इजाजत नहीं है अहमदी होने की और इन लड़कों इनको अगवा करने का इन्होंने इनको सजा देनी देनी थी तो ये पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने मंडे को इनकी बेल इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने इनको बेल पर रिहा नहीं करना इन लड़कियों इन दोनों मर्दों को इन्होंने जेल में डाल दिए इस वजह से कि इन्होंने मुसलमान औरतों से शादियां की हैं खुद इनके मुसलमान जो हमने तलवारें लेके हर जगह पहुंच जाते हैं तलवारें के छोटी छोटी सी टूथ पिके लेके हर जगह पहुंच जाते हैं हिंदू लड़कियों मसीही लड़कियों के साथ शादियाँ उनको मुसलमान करते हैं उनसे शादियाँ करते हैं तो ये इनके करतूत हैं और ये पाकिस्तान का कानून है मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेटीएम पे, पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ